हेलो फ्रेंड, मैं फातिमा रंगरेज। आज मैं आपके लिए पनीर पार्सल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए हमने 250 ग्राम हमने पनीर को इस तरह से मैश कर लिया है। और यहाँ हमने ये मैदे के अंदर एक टेबल स्पून मैदे के अंदर हमने पानी डाल के इसके साथ लिक्विड सा पेस्ट कर लिया है, बटर बना लिया है। यह हमने कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए लिया है। यह हमने हाफ कैप्सिकम ली है और यहाँ 2 ग्रीन चिली ली है। ड्राई मसाला में हमने हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला और हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिया है। यह हमने समोसे की पट्टी ली, जो बाजार में बहुत आसानी से अवेलेबल मिल जाती है। और यहाँ हमने यहाँ पर मिक्स इटालियन हर्ब की सीजनिंग ली है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हमारा जो पनीर, हम पनीर लेंगे, उसके अंदर हमने जो शिमला मिर्च ली है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जो कोरिएंडर लिया है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जो ड्राई मसाले लिए है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जो मिक्स हर्ब लिया है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने जो इसके अंदर मिक्स हर्ब लिया है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमें हाथ में कंफर्टेबल लगता है इसलिए हम हाथ से मिक्स करेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स करके, आप यहाँ पर सॉल्ट चेक कर सकते हैं, सॉल्ट और पेपर और चिली आपके साथ सब ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर फिल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये हमारी पट्टी ली है, हमारी इस पट्टी को इस तरह से यहाँ रखेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा बैटर लगाएंगे। फिर हमारी जो दूसरी पट्टी है हम उसको इस तरह से यहाँ रखेंगे, बिल्कुल आप सेंटर में इसका ऐसा सेट कर लीजिए। फिर हमारा जो मसाला है हम इसके ऐसे छोटे छोटे हम इसे गोले बना सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे भी रख सकते हैं। फिर हमारे पनीर के मसाले को रखेंगे। फिर हमारी जो ये एक पट्टी है हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा आटा ये लगाएंगे और हमारी इस पट्टी को हम धीरे से यहाँ पर लगे ज्वाइन करेंगे। और हमारी जो ये दूसरी पट्टी है हम यहाँ पर चारों तरफ हम लगा लेंगे। फिर हमारी जो दूसरी पट्टी है हम यहाँ पर देखिए थोड़ा मसाला यहाँ पर इसको इस टाइप से आप यहाँ पर लगाइए। फिर हम हमारी दूसरी पट्टी को हम यहाँ पर लेके आएंगे। फिर जो हमारी तीसरी पट्टी है हम उसको यहाँ पर इस तरह से करेंगे। फिर जो हमारी चौथी पट्टी है इस साइड से हम उसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा पार्सल तैयार है। अब हम इसी तरह से एक और बनाएंगे। यहाँ पर हम इसको ऐसे लगाएंगे, इसको यहाँ पर ऐसा रखेंगे। फिर यहाँ पर हम पनीर का थोड़ा सा बैटर डालेंगे। फिर हम यहाँ पर चारों तरफ इसके यहाँ पर जो हमने मैदे का बैटर बनाया था वो हम लगा देंगे। अब हम सबसे हमारी जो पहली पट्टी है वो हम इसको यहाँ पर इस तरह से लेकर आएंगे। आप यहाँ पर टाइट प्रेस करिए। ये जो सेकेंड है हमारा, हम इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे। ये थर्ड जो हमारा है हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। और ये जो फोर्थ है हमारा, हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। इसी तरह से हमारे सारे पार्सल बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम आपको एक और बनाना बता देते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से पट्टी रखी है, यहाँ हमने इस पर बीच में ऐसा लिया है। फिर हमने यहाँ पर सेंटर में इसको ऐसा रखा है। फिर यहाँ हमारा जो पनीर का जो बैटर है हम वहाँ पनीर का बैटर यहाँ पर रखेंगे। फिर हमने जो यहाँ पर ये स्टिप लिए हम यहाँ पर इसके चारों तरफ हम इसके ये लगा देंगे। फिर हमारा जो ये पट्टी है हम पहली पट्टी यहाँ पर रखेंगे, फिर दूसरी पट्टी हम यहाँ रखेंगे, तीसरी हम यहाँ पर रखेंगे और ये चौथी हम यहाँ पर रखेंगे। ये हमारा पार्सल तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड, हमने हमारे सारे पार्सल तैयार कर लिए है। अगर आप ऐसे ना बना पाए तो आप जो हम समोसे फिल करते हैं, आप समोसे के अंदर ही आप इसका मसाला फिल करके और समोसे भी बना सकते हैं पनीर के। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम आपको समोसा भी इसका फिल करके दिखा देते हैं। अगर आपसे ये ना बने तो आप इसके समोसे भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये समोसे की पट्टी ली है। आप इसके अंदर ये पनीर का मसाला रखिए इस तरह से। फिर आप इसको ऐसे इस तरह से रख के एक फोल्डिंग आप इसको ऐसे करिए और एक फोल्डिंग आप इसको ऐसे करिए। ये हमारा ट्राइंगल शेप बन जाएगा। फिर आप ये अंदर मसाला प्रेस करिए, फिर इसको ऐसे टर्न करिए। फिर जो हमने ये बैटर लिया है तो आपको जो दोनों में से जो आपको इजी तरीका लगे आप उसी तरह से बनाइए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब हम जो हमारे पार्सल बनाए थे वो हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे एक साइड से हो गए। अब हम इसे टर्न कर देंगे।
अब मैं जो दोनों साइड से हम इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होकर तलेंगे। जब तक गोल्डन ब्राउन होगा हम इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने हमारे ये फ्राई करके निकाल लिए है। अब हम यहाँ पर आपको एक कट करके भी देखो कितनी क्रिस्पी इसकी आवाज़ आ रही है, हम यहाँ पर आपको एक कट करके दिखाएंगे। देखिए अंदर से कैप्सिकम भी सब गल चुका है, ये कितना अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड, ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।